What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि अब तो पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया। इसका मतलब होता है कि अब किसी काम की अति हो चुकी है। तो कुछ ऐसे ही फंडा यहाँ पर देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो इन्होंने नई खोज निकाली है इन्होंने। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हाँ किसी को पेपर पर्ची पकड़ा दी जाती है उसका एग्जाम कराने के लिए, या फिर मोबाइल पर एसएमएस भेज देते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह थी। एक नया फंडा निकल कर लाया गया है तमिलनाडु के द्वारा, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। ओएमआर सीट जो आप लोग भरते हैं, वो ओएमआर सीट आप लोग भरेंगे जिस इंक के साथ में, वो इंक जो है कुछ टाइम के बाद में इवेपोरेट हो जाएगी, यानी कि वो गायब हो जाएगी। और उसके बाद में जो भी यहां पर लोग रहेंगे जिनके साथ में आप लोगों ने अपना, वो नहीं कहते कि ठेका दे रखा है, जिनको आप लोगों ने पैसे दे रखे हैं, वो लोग आप लोगों की ओएमआर सीट को सही पेन से भरेंगे सही आंसर के साथ में, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए 10 से 12 12 लाख रुपए यहां पर लिए जा रहे हैं, चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये अभी एक नया केस सामने निकल कर आया। ये सुना था अब तक, कई सारी चीजें तो मैंने भी सुनी थी कि ऐसा किया जाता है, कई बार ओएमआर शीट को बदल दिया जाता है, जैसे रब करके उसको फिर से भर दिया जाता है, या फिर कंप्यूटर पर अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आप लोग टेस्ट को फिल ही नहीं करना है, खाली छोड़ देना, आप लोगों की सीट निकालकर बाद में भर दी जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर बोली जाती थी, पर लेकिन ये इंक इवेपोरेट होने वाला केस जो पहली बार सामने निकल कर आया, तो इससे यहां पर ये लगता है कि अब अति हो चुकी है। ये देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम का फेलियर है कि एग्जाम को इस तरीके से फ्रॉड कर वो यहां पर जो बंदों को ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्या आप लोगों को लगता है किस हद तक वो हमारी कंट्री के सिस्टम को सही लेकर चल पाएंगे? वो इंसान जिसने कभी किताब ढंग से नहीं पढ़ी है, जिसको बेसिक चीजों का पता नहीं है, वो इंसान जाकर बैठेगा इन पोस्ट के ऊपर, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? इसी तरीके से जो करप्शन है वो और लार्ज स्केल पर बढ़ता जाता है, इसी की वजह से जो इंसानों को बेसिक सर्विस नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो लोग 10-10 12-12 लाख रुपए देकर जाते हैं 20-30 हजार की महीने की जॉब के लिए, वो सबसे पहले तो अपना पैसा निकालेंगे किसी भी तरीके से, शामदाम दंड भेद लगा के, उसके बाद में अगर कुछ सही हुआ तो हो पाएगा। तो ये सिचुएशन है आज के डेट में कई सारे राज्यों के अंदर। तमिलनाडु का जबकि एक अच्छा राज्य माना जाता है अगर आप लोग देखेंगे, पर लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा ही था किस तरीके से स्पाइडरमैन की तरीके से जो वो नहीं कहते हैं कि चिट जो है वो पकड़ाई जा रही थी, अब ये केस तमिलनाडु में देखने को आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर रिफॉर्म के बारे में आप लोग कुछ लिखने को आता है तो आप लोग ऐसा केस भी वहां पर राइट कर सकते हैं। अच्छा केस है ये, आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे तो ये बेसिक एक आप लोगों को यहां पर ये समझ में आएगा कि हाँ बेसिक चीजों पर भी ध्यान है बंदे का, ठीक है? तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक इंसानों के आदत नेचर समझ में आ रहा है। एक साइड में आप लोग यहां पर देखते हैं, ये अभी यहां पर मुनि अमावस्या जो प्रयागराज, यानी कि जिसको आप लोग इलाहाबाद बोला करते थे, तो यहां पर संगम में सब लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर उपलक्ष में। तो यहां पर दूसरी साइड अगर आप लोग देखेंगे, ये है दिल्ली का नजारा। यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर कचरा डाला जा रहा है यमुना के अंदर। तो देखिए ये जो हमारा नेचर होता है कि रिलीजियस के नाम पर तो हम लोग अच्छे खासे रिलीजियस चीजें करने लगते हैं, हाँ ये है वो है, पर लेकिन दूसरी साइड में जो हमारा नेचर होता है ये फैलाने का, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हैं। तो ये चीजें हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं आप लोग ये नहीं करते हैं, बस मैं इतना चाहता हूं कि जो भी ये चीजें करता है उसको आप लोग ये चीजें समझाएं ताकि ये चीजें न करें। आगे बात करते हैं, आज है सैटरडे, सैटरडे होता है आप लोगों का रिवीजन का, जाकर चीजों को रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और जितना ज्यादा आप लोग जो भी वीक में आप लोगों ने पढ़ा उस पर फोकस जरूर दीजिएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यह है वीकली एसे के बारे में, जो कि आप लोग का वीक में एसे आता है, 1000 से 12 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। बोला गया है जो गरीबी है वो एक तरीके से पेरेंट है, यानी कि एक तरीके से जनक है, जन्म देने वाली है। रिवॉल्यूशन जब कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रांति आती है, या फिर जो क्राइम होता है, तो दोनों को जनक एक तरीके से गरीबी बोला गया है। यानी कि अगर रिवॉल्यूशन होता है कहीं पर, वहां भी गरीबी की वजह से होता है, लोग जो होते हैं वो त्रस्त हो जाते हैं कि भैया अब नहीं चलेगा, अब तो सुधारना पड़ेगा, तो उसी टाइम पर जो गवर्नमेंट है उसको उठाकर फेंका जाता है साइड में, एक अच्छी गवर्नमेंट को जाता है। और भी कई सारे लोग गरीबी से तर्स होकर ये बोलते हैं भैया अब तो हमको आईएएस बनना ही बनना है, या फिर कोई अच्छी जॉब लेनी ही लेनी है। तो ये भी कई सारी चीजें हैं, पर क्राइम भी इसी की वजह से होते हैं। जो गरीब होते हैं उनको क्या किया जाता है कि आप लोग इतना पैसा देंगे, आपको बस एक मर्डर करना है, तो उनको लगता है कि फैमिली की कंडीशन सुधारने के लिए तो इस तरीके के स्टेप भी कई बार लोग उठा लेते हैं। तो गरीबी दोनों को यहां पर जन्म देती है, ये आप लोगों का ऐसे है जो कि आप लोगों को लिखना है, ठीक है? तो अच्छा ऐसे है, अच्छे से ट्राई कीजिएगा लिखने की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आर्टिकल देखते हैं, काफी शानदार आर्टिकल है। जो ये आर्टिकल है ये मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप को कंपेयर कर रहा है, और ये बता रहे हैं कि अब तक भी यहां पर हमारी कंट्री और यूएसए के बीच के जो रिलेशन है उसको हम लोग समझ नहीं पाए किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल उत्तर प्रदेश के बारे में आर्टिकल लिखा गया है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। इसी के साथ में स्टार्ट करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है,
तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में क्या क्या बातें हैं अभी न्यूज में, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ में सारी डिटेल में बताऊंगा। आप लोग ये समझ के चलिएगा कि रोहिंग्या का टॉपिक अगर किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है तो उसको आगे इसमें डाउट नहीं आएगा, इस तरीके से सारी चीजें क्लियर करूंगा यहां पर, ठीक है। ये भी काफी अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि फ्राइडे को ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे वो मैंने निकाल लिए जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल यहां पर बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र कर रहा है। बिहार में आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है नीतीश कुमार जी की जनता है, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है यहां पर। तो नीतीश कुमार जी का एक रवैया आप लोगों को देखने को मिलता है, पहले इन्होंने जब ये गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया। हालांकि 2014 में इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ये मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इन्होंने अपनी पार्टी अलग निकाल ली। फिर आगे चलकर इन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, फिर छोड़कर लालू जी के साथ में गठबंधन किया और फिर से बीजेपी के साथ में आ गए। तो ये जो रवैया है नीतीश जी का, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो बिहार की जनता है वो इसको किस तरीके से देखती है, मतलब नीतीश जी कैसे लीडर हैं आप लोगों की नजरों में, तो आप लोग खुद बताइए यहां पर। इसी के बारे में यहां पर इनको एनालाइज किया जा रहा है, जो कि लोकल पॉलिटिक्स का इशू है, हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और यह है उत्तर प्रदेश के बारे में। आप लोगों ने कितने ऐसे लोग हैं जिसने यंगिस्तान मूवी देखी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और जिसने नहीं लिखी देखी है वो आने वाले वीक में इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को यहां से समझ में आएगा कि हमारी कंट्री में जो उत्तर प्रदेश है उसकी अहमियत का है क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर पार्लियामेंट की आप लोग बात करते हैं तो 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं, समझ सकते हैं आप लोग 80, यानी कि अगर बात करें यहां पर 543 है टोटल, जिसमें आप लोगों को दो नॉमिनेटेड यानी कि 545 देखने को मिलते हैं, तो 545 में से जो 80 लोग हैं वो यहां पर उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो ये समझिए सेंटर की पॉलिटिक्स पर वो कब्जा उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पावरफुल राज्य आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, हमारी कंट्री में कौन सा वो राज्य है जिसमें से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर निकल कर आए हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर आगे बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा जो पॉपुलस राज्य है यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसको मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं, मुझे अभी याद आ रहा है एक सीनियर थे जिनका सिलेक्शन हुआ था आईएएस में, तो वो अभी पोस्टेड है यूपी में, तो उनके द्वारा जब उनका जो SMS आया तो मतलब बात कर रहे थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि यार मुझे ना मिनी यूपी मिल गया, वो मिनी इंडिया मिल गया। मैंने कहा मतलब, तो कह रहा है कि, तो बोला उन्होंने कि उत्तर प्रदेश मिल गया मुझे कैडर, तो मिनी इंडिया उनके द्वारा बोला गया था। मुझे वो वर्ड याद आता है कई बार, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, और रीजन भी है इसके पीछे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है, और खासकर जो गंगा वाला एरिया है, जो गंगा का बेसिन है उसके आसपास पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हिस्ट्री भी अगर आप लोग उठाकर देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन लगा लीजिए साउथ इंडिया में, जहां पर भी आप लोग किसी कंट्री में जाएंगे तो रिवर के आसपास ही आप लोगों को सिविलाइजेशन पनपती हुई नजर आएगी, तो ये भी एक रीजन है। चलिए, वो रीजन अपनी जगह है। अब नीचे आप लोग ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर यूपी के हैं जो लेक्चर देखते हैं, उनके लिए कुछ बातें हैं यहां पर, उनके लिए कुछ चीजें ऐसी यहां पर निकल कर आने वाली है कि उनको कितने सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने जो उनको आगे टैकल करके चलने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में जो बातें बताई गई हैं यहां पर वो कुछ अच्छी नहीं है, कुछ अलग तरीके की इमेज ड्रॉ करने की कोशिश की गई है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब जो ये आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग बताइएगा कि क्या इस आर्टिकल में जो बातें बोली गई हैं वो सत्य हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग समझ पाएंगे। अभी हम लोगों ने बिहार के बारे में बात की, तो ये हो गया यहां पर बिहार। झारखंड इससे अलग निकालकर 2000 में नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। ये यहां पर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड इससे निकाल के नया राज्य बनाया गया था, ये भी 2000 में ही, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी यूज होगा, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश जो हमारी कंट्री में राज्य है, काफी बड़ा राज्य, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसकी नेपाल के साथ में। अभी यहां पर आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं आर्टिकल में, और हां, पहले यंगिस्तान मूवी के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि यंगिस्तान मूवी में एक डायलॉग है वीडियो मूवी के एंड में जाकर, कि जब इनको लगता है कि हार रहे हैं तो इन्होंने बोला अभी रुक जाओ, अभी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी अभी खुलना बाकी है, यानी कि जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो इनके द्वारा बोला गया यूपी अभी खुलना बाकी है। तो यहां पर लड़की के द्वारा पूछा गया कि अच्छा यूपी में ऐसा क्या है, तो बोलता है कि देखो अभी नजारा, ठीक है। तो जब उत्तर प्रदेश निकल कर आता है तो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो वही बात यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है, अगर आप लोग लोकसभा की बात करते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिस राज्य में से इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं तो वो राज्य तो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए था, सबसे ज्यादा एडवांस होना चाहिए था हर एक लेवल पर, हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, पर लेकिन यहां पर उल्टा है। 404 सीट असेंबली की यानी कि विधायक जी आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहां पर यहां से उत्तर प्रदेश के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट है वो राइटर के द्वारा बताने स्टार्ट किए गए हैं।
यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करते हैं, जो कि पब्लिश किया गया 2018 में 17 का था, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे नीचे थे यहां पर इस कैटेगरी में, वर्स स्कोर इनके द्वारा यहां पर लाया गया। अगर बात करें हमारी ही कंट्री का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जब रिसर्च की गई तो यूपी में उसने देखने को मिला कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है लास्ट 27 सालों से उसमें कोई बढ़ोतरी ही नहीं हुई है, यानी कि वहीं का ही वहीं टिका हुआ है। तो चाहे यहां पर कोई भी गवर्नमेंट रहकर क्यों ना चली गई हो, उनका बेसिकली ये मुद्दा रहा ही नहीं है कि एजुकेशन और या फिर हेल्थ को ढंग से फोकस देकर चला जा सके, इंप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। उनका अलग ही है कि बस अपना अपना रूल करना है और निकल जाना है, ये फंडा देखने को मिला। गवर्नमेंट के द्वारा खुद सर्वे किए गए दो सर्वे हैं यहाँ पर, ये सर्वे के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये बन सकता है कि ये सर्वे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन, तो ये सर्वे है हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें एजुकेशन के रिलेटेड बात की गई। इसी के साथ में नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, याद रखिएगा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए जो अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ईपीएफओ की बात कर लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ईपीएफओ में तो इसको अलग से मेंशन भी किया गया है कि आप लोग इसको फोकस देकर चलेंगे, ठीक है। बेसिकली एग्जाम ही उसी के लिए है यहाँ पर, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रखिएगा, इस सोसाइटी के वेलफेयर की स्कीम है कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का लेवल कैसा है, जो हेल्थ का लेवल कैसा है, तो उसके बारे में जो इंडेक्स है क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। केरला के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, केरला को टॉप किया गया और उत्तर प्रदेश को वर्स्ट है, यानी कि नीचे से टॉप किया गया इन दोनों इंडेक्स में, यह बात यहां पर बोली गई है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तराखंड जब से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, वो एक अच्छी रैंक यहां पर उसको मिल रही है, यानी कि उत्तराखंड ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, कम से कम थोड़ी सी इज्जत बन रही है, अब अच्छी खासी रैंक मेरी आ रही है, जबकि होना क्या चाहिए था 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है यहां से, तो कम से कम उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर होना चाहिए था। पर लेकिन टॉप पर किस चीज में है, यहां पर बात की जा रही है अराजकता की, यानी कि लॉलेसनेस की, यानी कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। डकैती, यानी कि डकैती काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। कम्युनलिज्म, मुजफ्फरनगर के दंगे आप लोगों ने सुनोगे 2014 से पहले, और ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती रहती है, तो सांप्रदायिकता यहां पर निकल कर आती है। कास्ट किलिंग, यानी कि जाति के नाम पर हत्या बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। जेंडर बेस्ड ब्रुटैलिटी, यानी कि लिंग आधारित क्रूरता, लड़का और लड़की में भी भेदभाव काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आते हैं। फ्यूडल एग्रेरियन एक्सप्लोटेशन, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये सामंतवाद जो होता है बेसिकली, आप लोग बोल सकते हैं कि जो पुराने जो राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, इनके पास में जमीन हुआ करती थी, और जब नया देश आजाद हुआ हमारी कंट्री में, एक नया देश बना, कंट्री आजाद हुई 1947 में, न्यू बोर्न इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर जो बड़े बड़े साहूकार थे जिनके द्वारा जमीन अपनी हत्या ली गई, वो लोग आज की डेट में भी अपने यहां पर एग्रीकल्चर लेबर रखते हैं। आज के डेट में भी कई जगह स्लेव प्रथा टाइप की देखने को मिलती है, अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, तो उसके बेस पर फिर एक्सप्लोइटेशन किया जाता है, यानी कि उनसे अपने खेतों में काम कराते हैं, पर लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए, और जमीन दाब कर बैठते हैं और काम दूसरे से कराते हैं, और उनको उसकी मेहनताना भी नहीं मिलता काफी लार्ज स्केल पर। अनइंप्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंडर इंप्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग मान लीजिए कोई यहां पर पीएचडी कर रखी है, तो उसको पियोन की जो मिल रही है, तो इसमें भी यूपी आप लोगों को टॉप पर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका की कई सारी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो कंजर्वेटिव विचारधारा और हार्ड लाइनर दोनों ही हिंदू और मुस्लिम में, दोनों आप लोगों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसका रीजन ये नहीं कि वहां पर ज्यादा, इसका मतलब ये भी है थोड़ा सा कि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो नेगेटिव में सारी चीजें नहीं लेनी है, बस बेसिकली कुछ चीजें बताने की कोशिश की गई है कि हाँ ये चीजें देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और भी राज्य में, पर यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, ये राइटर यहां पर बता रहे हैं। और ये इसके अपोजिट में बता रहे हैं कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उतने के कंपेयर में यहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, अच्छा माहौल होना चाहिए था, जबकि यहां पर उल्ट इसका अपोजिट माहौल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, ये क्रिमिनलिटी के बारे में थोड़ी बात की जा रही है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप लोग देखेंगे, क्राइम इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी के, या फिर यूपी में किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि अभी यहां पर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया उसके बारे में बात करते हैं। 10% जो यूपी के द्वारा टॉप किया गया यहां पर टोटल क्राइम, अगर आप लोग देखेंगे 3 लाख के करीब जो FIR रजिस्टर की गई है, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी। अगर बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उत्तर प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया, टोटल जो क्राइम हुए यहां पर उनमें से लगभग
56,000 क्राइम जो 3.5 लाख है उसमें 56,000 क्राइम ओनली यूपी के अंदर हुए हैं। और हमारी कंट्री में क्या है, आज के में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इनको मिलाकर सब में टॉप पर यहां पर यूपी है। आर्म्स यानी कि अगर यहां पर आर्म्स या फिर गन लाइसेंस की बात की जाए, यानी कि जो बंदूक वगैरह रखने में यूपी टॉप पर है। अगर बात करें यूपी के बारे में तो यहां पर बात की जा रही है, होम मिनिस्ट्री का डेटा है ये, यानी कि एक वैलिड डेटा है। उत्तर प्रदेश का 2016 का डेटा प्रस्तुत किया गया कि ऑथराइज्ड गन लाइसेंस यानी कि जो खुद जाकर लाइसेंस जाकर लेकर लेते हैं वहां पर, तो 12,77,000 लोगों के पास में यहां पर लाइसेंस है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर 3.6 लाख है ओनली, तो समझ सकते हैं आप लोग इसका 4 गुने के करीब उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ में ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन यहां पर बोली गई है, ये वो बताया गया है डेटा यहां पर ऊपर जो कि लीगल है। इलीगल कितनों के पास में है इसका कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, ये तो लीगल है। और हमेशा इलीगल जो रहता है वो लीगल का कई गुना आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 3-4 गुना आप लोग लगा सकते हैं। इसी के चलते अगर आप लोग बात करें जो यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है भी आप लोग देखते हैं, कंट्री में अगर आप लोग बात करें इलीगल जो आर्म्स में, अगर टोटल 3 लाख रजिस्टर केस किए गए हैं कि इनके पास में इलीगल आर्म्स हैं, तो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख हैं, यानी कि आधे उत्तर प्रदेश से निकलकर आते हैं। ये जो सिचुएशन यूपी में देखने को मिल रही है हमारी कंडीशन में, ये कहीं ना कहीं कई बार इसको लेकर यह भी बोला जाता है कि यूपी को डिवाइड कर दो, तो कई बार बोला जाता है पूर्वांचल बना दो ईस्टर्न यूपी को, बुंदेलखंड अवध सेंट्रल को, और पश्चिम प्रदेश वेस्ट यूपी को, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एक और बच गया वो आप लोग बता सकते हैं। बेसिकली ये है कि कहने का मतलब यहां पर ये कि जिस तरीके से यूपी है, इतना बड़ा एक आप लोग एरिया बोल सकते हैं, इतना ज्यादा जनसंख्या है, इसको इस तरीके से एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ढंग से एडमिनिस्टर करना है तो छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों का सिलेबस होता है, एक दिन बैठकर सारा सिलेबस थोड़ी ना खत्म कर देते हैं, आप लोग डिवाइड कर लेते हैं कि आज इतना पढ़ेंगे, कल इतना पढ़ेंगे, और इतना हम लोग रिविजन करेंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वही चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इतना बड़ा यूपी है तो यहां पर वोटर को लेकर काफी स्ट्रगल है। उत्तर जब से यहां पर उत्तराखंड आगे बाहर निकला है तो उत्तराखंड एक प्रोग्रेसिव स्टेट निकलकर सामने है, पर लेकिन यहां पर सब चीजें पीछे हैं जो कि यूपी में भी देखने को मिल रही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या यूपी में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है? अगर हां तो आप लोगों को यहां पर इसको आगे आने वाले टाइम में सुधारना भी है, ठीक है, क्योंकि जो जनता है वही सुधार पाएगी। पॉलिटिशियन जैसे जा रहे हैं, अगर वहां से चुनकर ढंग के पॉलिटिशियन जाएंगे तो सिचुएशन सुधरती हुई नजर आएगी। अगर ऐसे ही पॉलिटिशियन जाते रहे जो कि जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये 27 ईयर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बदला है, जो कि सबसे पहले बदलना चाहिए, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो अब तक नहीं हुई है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। राहुल, ये जो बेसिकली ये जो यहां पर नाम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं था बताने का, बस ये बताया गया कि यूपी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हरियाणा के एक टीचर के द्वारा दी गई है, ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हालांकि ये आर्टिकल अगर कोई यूपी वाला ही टीचर लिखता तो ज्यादा अच्छा लगता। चलिए देखते हैं, जो भी था ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो जो यू जो स्टेट के लेवल की बातें बताई गई हैं वो तो स्टेट के लेवल पर याद रखते हैं, और जो रिपोर्ट्स के कुछ आप लोगों को टाइटल बताए गए हैं जो कि सेंटर के लेवल पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझते हैं रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में। रोहिंग्या कम्युनिटी और बात की जा रही है म्यांमार के बारे में, थोड़ा सा आप लोग इसको यहां पर देख सकते हैं। ये है यहां पर पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार को हमारी कंट्री का मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश टच करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर यहां पर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी कंट्री के लिए खतरा है। रोहिंग्या कम्युनिटी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार के अंदर। इनको मारा गया म्यांमार की आर्मी के द्वारा और वहां से भगाया गया। रीजन यहां पर यह माना जाता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। म्यांमार में भी रोहिंग्या कम्युनिटी है तो उनकी भी एक आर्मी है छोटी सी। देखिए ये होता है जब कोई कम्युनिटी कहीं पर रहती है तो अपने बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, और हर एक उसमें कम्युनिटी में जवान तो लड़के होंगे, अगर उनके बच्चों को छेड़ा जाएगा, उनकी मां बहनों को गलत तरीके से देखा जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, तो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक यंग जो जनरेशन रहती है। तो ऐसी एक आर्मी यहां पर रोहिंग्या की बन गई म्यांमार के अंदर में। और किस एरिया की बात की जा रही है, यह बात की जा रही है रखाइन स्टेट। तो रखाइन स्टेट, रखाई प्रोविंस इसको बोला जाता है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बोले 28 प्रोविंस हैं, इस तरीके से ये रखाइन प्रोविंस है, इनके स्टेट को प्रोविंस बोला जाता है। तो यहां पर क्या किया गया, आर्मी के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया और बहुत सारे लोग जो है अपनी जान बचाकर भागे। नाफ रिवर याद रखेगा, ये यहां पर बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बांग्लादेश और म्यांमार के। तो इसको क्रॉस कर ये जैसे तैसे पहुंचे, बहुत सारे लोग तो बह गए यहां पर नदियों में। ये था एक साइड में, तो नेक्स्ट साइड में तो यहां पर खाई थी, और दूसरी साइड में भी आप लोग कुछ कम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, एक साइड में कुआ और दूसरी साइड में खाई। अब जिधर भी जाए मरना ही है, तो लोग इधर सोचेगा कि किधर थोड़ा आसान हो सकता है उधर थोड़ा कोशिश करेगा। तो इनके द्वारा निकलकर भागा गया अलग अलग एरिया में। कहां कहां पर ये गए,
तो ये आप लोगों के सामने टोटल मिलाकर आज की डेट में लगभग 9 लाख के करीब ये माना जाता है कि कहां पर है, ये है यहां पर बांग्लादेश के अंदर में, म्यांमार में भी लगभग 6 लाख के करीब है, थाईलैंड में 5,000 के करीब, इसी के साथ में मलेशिया में भी लगभग 1 लाख के करीब, इंडिया में 40,000 के करीब, सऊदी अरेबिया में भी यहां पर 2 लाख के करीब है, पाकिस्तान में भी लगभग माना जाता है कि 40,000 से लेकर 2.5 लाख तक का एस्टिमेशन पाकिस्तान में लगाया जाता है। तो इतने सारे रोहिंग्या आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी जान बचाकर यहां पर रह रहे हैं क्योंकि म्यांमार में इनको ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो इसके चलते यहां पर ये भागे अलग अलग कंट्री में, तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली जब इनके द्वारा जान बचाकर भागा गया। तो अभी यहां पर ये आर्टिकल न्यूज में क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा यहां पर एक डिसीजन आया, उसमें ये बोला गया म्यांमार की गवर्नमेंट को कि जो नरसंहार आप लोग कर रहे हैं, जिनोसाइड आप लोग कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए। जिनोसाइड होता है नरसंहार। तो रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी को जो मारा जा रहा है फाइनली ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया और इस पर यहां पर ये भी बोला गया कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना है और जो भी यहां पर प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए इनके द्वारा रिपोर्ट भी मांगी गई। लार्जली जो देखने को मिल रहा है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें मिलिट्री के द्वारा ये हरकतें की गई है। सिविलियन गवर्नमेंट की जो लीडर है आंग सांग सुई की, ये यहां पर इनके लीडर हैं, उनके द्वारा बोला गया कि 4 महीने में आप लोगों को अपडेट्स यहां पर देनी है कि किस तरीके से ब्रुटैलिटी यहां पर देखने को मिली, जिसमें 6 लाख के करीब जो रोहिंग्या हैं आज की डेट में वो यहां पर है, उनको कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और म्यांमार में आज के डेट में भी उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ये है यहां पर इनकी लीडर आंग सांग सुई की, ये वो पर्सनैलिटी है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, यानी कि शांति के लिए इनको पीस प्राइज मिल चुका है। काफी लंबे समय तक ये जेल में रही और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये जेल से बाहर निकलकर आई तो इलेक्शन लड़ा गया, फिर ये इलेक्शन जीत गई। तो आज के डेट में इनकी पार्टी मेजोरिटी में है, पर लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है म्यांमार के अंदर, यहां पर मिलिट्री का भी रूल है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बोले डिफेंस मिनिस्ट्री है तो मिलिट्री हमारी बोले कि इसके लिए तो हम ही पोस्ट लड़ेंगे, यानी कि बिपिन रावत जो आज के दिन में जो आज के दिन में सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर होते, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बोले वो बोलने लगे हमको ही होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री भी उनके अंडर में रहती। तो इस तरीके से म्यांमार के अंदर में मिलिट्री की भी खुद की पोस्ट होती है यहां पर एक तरीके से, जो जो इनके एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारी कंट्री में, तो वहां पर भी इस तरीके से पार्लियामेंट में इनके लोग होते हैं मिलिट्री के, ये जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सिविल कम मिलिट्री रूल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, या फिर मिलिट्री कम सिविल आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यहां पर इक्वल तरीके से रोल प्ले यहां पर कर रहे हैं। यहां पर इनके द्वारा सोचा गया, देखिए स्टार्टिंग में तो पूरा ही जो दबदबा था वो आर्मी के हाथ में था, तो इनके द्वारा सोचा गया थोड़ा शांति रखते हैं, कम से कम हमारी कंट्री में थोड़ा सा शांति अगर रहेगी तो आराम आराम से यहां पर ये इनका दबदबा कम करेंगे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आने लगेगी। पर लेकिन ये जो रखाइन स्टेट में रोहिंग्या वाला इशू निकल कर आया, इसने सारी चीजें बर्बाद करके यहां पर रख दी। बर्बाद करके कैसे रख दी, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया कि जिस लड़की को आप लोगों ने नोबेल पीस प्राइज दिया है वो जो लेडी है आज के दिन में इसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रही है, इवन प्रोटेक्ट कर रही है। रीजन उनका यह भी है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, अगर अपोजिट में बोलेगी तो जो डेमोक्रेसी इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई आराम आराम से वो हाथ से जाती रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि कितने भी लोगों को मारे तो इसके चलते ये चुप रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। यहां पर ये साबित किया जा चुका है ऑलरेडी, जो यूएन और ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ये रूलिंग ये साबित करती है कि हेट स्पीच देखने को मिलता है, मास्ट इस केस पर यहां पर ये यहां पर रेप किए जाते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उनकी देखने को मिलती है, टॉर्चर किया जाता है विलेज में जिसके रखाइन प्रोविंस में लोगों को, और इसी के साथ में वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश में भागे अपनी जान बचाने के लिए। तो ये ऑलरेडी ये रिपोर्ट यहां पर साबित कर रही है। गांबिया जो कि एक कंट्री है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक बार मैप में देख लीजिए एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को यहां पर ये कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके द्वारा यहां पर ये केस लिया गया और ये केस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जिसको ओआईसी आप लोग बोलते हैं उसके मेंबर के द्वारा सपोर्ट किया गया। अच्छा कितने मेंबर हैं आज के डेट में ओआईसी में बताइए, तो जरा अभी आप लोगों को बताया था पीआईबी वाली वीडियो भी आप लोगों को डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था ये मैंने। इसके द्वारा जब यहां पर बोले गए ये इसमें यूएन में पहुंचे तो वहां पर बोला गया 1948 में जिनोसाइड जो यहां पर जिनोसाइड कन्वेंशन है उसके चलते यहां पर जो डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये हरकतें की जाती है तो इसको मेंशन किया गया और इसको क्राइम बोला गया है बहुत लार्ज स्केल पर। तो उसके चलते ये केस पहुंचा यहां पर और उसकी सुनवाई की गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। और यहां पर ये उस तरीके से भी आया क्योंकि जो म्यांमार के अंदर बातें चल रही है वो ये चल रही है कि इसको बोला जा रहा है आर्मी के द्वारा मारा गया, तो ये आर्मी के द्वारा मारा नहीं गया है। म्यांमार वाले जो यहां पर लोग हैं और खासकर जो इनकी आर्मी है जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि यहां पर अरकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी जो कि रोहिंग्या कम्युनिटी की आर्मी है उनके द्वारा यहां पर गलत तरीके से काम किया गया, हम लोगों ने इनकी इंसर्जेंसी को हटाने के लिए यहां पर ये स्टेप उठाए और ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ था इसलिए हम लोगों के द्वारा ये किया गया है। यानी कि उनका ये मानना है जो भी इनके द्वारा किया गया है वहां पर उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है कि आपकी कंट्री से लगभग ना होने में भी 12 लाख लोग भाग गए, इतना लो एंड ऑर्डर आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो यहां से समझ में आता है
की हरकतें आप लोगों के द्वारा क्या की गई है। इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया, उसके द्वारा बोला गया कि लगभग 900 लोग को स्टार्टिंग में ही मारा गया मिलिट्री के द्वारा, पर लेकिन उसके द्वारा यह बोला गया गैंग रेप वगैरह नहीं हुए या फिर कोई जिनोसाइड वगैरह नहीं हुआ। आप लोग समझ सकते हैं कि ओनली 900 लोगों को इन्होंने मार दिया और वहां से 12 लाख लोग भाग गए। इतने ज्यादा लोग तो नहीं भागेंगे 12 लाख लोग, अगर आप लोग बोले कुछ ना कुछ बहुत बड़ा वहां पर हुआ है जो कि किसी के सामने नहीं आया और वहां पर कंट्री में ही दफना दिया गया। तो ये कंडीशन यहां पर आप लोगों को वही बता सकता है जिसने ये झेली है, यानी कि जो यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वही आप लोग यहां पर बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जान हो गई, जान चली गई, यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, इसी के साथ में बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन, कुछ ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, तो सब किसी ने किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे, जो भी अपने घर जायदाद जमीन छोड़कर वहां से निकले। और आज के डेट में इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है एज ए सिटीजन, अगर आप लोग बात करेंगे म्यांमार के अंडर में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वे लोग हैं जिनकी कोई कंट्री नहीं है, जिनके पास में किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो जाए तो ये जाए कहां, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसी के चलते इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमेशा वर्ल्ड उन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है जहां पर किसी ने किसी का इंटरेस्ट हो। यूएसए का कोई ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर देखने को मिलता नहीं है, तो इसलिए यूएसए वाले बात नहीं करते हैं। चाइना का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो चाइना थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई यहां पर, उनके द्वारा बोला गया कि जो भी लोग आज के डेट में यहां पर बांग्लादेश के अंदर भी जो रह रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी ये विक्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, वरना अब तक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा था। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोग बात करें, तो उनके द्वारा जो म्यांमार को बोला गया है कि रिहैबिलिटेशन और रिपैट्रिएशन, यानी कि पुनर्वास और प्रत्यार्पण जो होता है बेसिकली, यानी कि एक तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको वापस लेकर जाओ और रिहैबिलिटेट करो, उनके रहने खाने पीने का बेसिकली एक सिस्टम होना चाहिए जिसके चलते वो अपना एक नॉर्मल जिंदगी वहां पर जी सके। तो ये यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसके लिए इंपावर भी है और आगे आने वाले टाइम में वो यहां पर ऐसे डिसीजन भी ले सकती है जिसके चलते म्यांमार को और ज्यादा सप्रेस यहां पर किया जा सकता है। चाइना काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो रखाइन स्टेट मैंने आप लोगों को यहां पर यह दिखाया है, ये रखाइन स्टेट वो वाला स्टेट है जहां पर चाइना काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट कर रहा है। और चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, जिसको आप लोग BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर कर रहा है। अगर यहां पर शांति नहीं रहेगी तो यहां पर ये चाइना के प्रोजेक्ट नहीं चल पाएंगे। इसी के चलते बहुत सारे जो लोग हैं जो यहां पर, बहुत सारी कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं लेकर आ रही है, क्योंकि म्यांमार के अंदर शांति नहीं है। तो वो जो जगह खाली छोड़ी गई है दूसरी कंपनी के द्वारा, चाइना उसको भी आकर यहां पर भर रही है। तो चाइना एक तरीके से मौका प्रस्त यहां पर है, एक तरीके से वो इसका फायदा उठा रही है। जबकि इंडिया को बहुत सारा रोल प्ले करना चाहिए था, पर लेकिन अपने जो मैत्रीपूर्ण रिलेशन बनाए रखने के लिए म्यांमार के साथ में इंडिया ने कोई ज्यादा शब्द यहां पर बोले नहीं है और कोई ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इंडिया की साइड से देखने को नहीं मिला है। इंडिया का भी रीजन है, क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है यहां पर खासकर नॉर्थ ईस्ट वाला, अगर उसको डेवलप करना चाहते हैं तो म्यांमार के साथ में अच्छे रिलेशन हमारे होने चाहिए। और आप लोगों ने उरी मूवी देखी होगी, तो उरी मूवी जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में जो इंसर्जेंसी हम लोग जाकर म्यांमार में जाकर हम लोग यहां पर वो एक पर्टिकुलर इवेंट जो होता है उसको अंजाम पहुंचाते हैं, एक तरीके की स्ट्राइक आप लोग बोल सकते हैं। तो म्यांमार की आर्मी के द्वारा उसमें हमको सपोर्ट किया गया ताकि हमारी कंट्री में इंसर्जेंसी को इस एरिया में खत्म किया जा सके। तो इसलिए भी हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं इसके बारे में, हम लोग चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पर लेकिन अगर सबसे ऊपर बात की जाए तो अच्छी बात यहां पर यह होगी घुमा फिराकर, अगर इंडिया भी दोनों के बीच में शांति बनाए रखने का काम करे, क्योंकि उसके लिए इंडिया नहीं बोल रहा है म्यांमार के लिए, समझ में आता है। पर लेकिन बांग्लादेश इसकी वजह से चिढ़ भी रहा है कि इंडिया इसके लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश झेल रहा है यहां पर लगभग 9 लाख के करीब, ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश में आज के दिन में रोहिंग्या कम्युनिटी है। तो इसी के चलते ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि सिविलियन गवर्नमेंट वहां पर आ जाए, आर्मी का जो काम होता है आर्मी बस वही काम करे, जो एक सिविल एस्टेब्लिशमेंट होता है उससे आर्मी दूर रहे और प्रॉपर वे में चीजों को एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने अब सारी चीजें समझ ली होगी, अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या आप लोगों को अब भी कोई कंफ्यूजन है? अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर नहीं तो आप लोग नो लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर जो भी चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि आज के दिन में इसके बारे में चल क्या रहा है। इंडिया में भी यहां पर 40,000 हैं उनको वापस करने की बात की गई है, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो इसके चलते इंडिया पर कई सारे आरोप लगाए गए इंटरनेशनल लेवल पर कि हम लोग अपनी कंट्री को अगर जिस तरीके से हम लोग बताते हैं ऐसी कंट्री है, उसके अपोजिट में जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इश्यू है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर हम लोग बात करेंगे आज इस आर्टिकल में, यह है तमिलनाडु के जो लोग हैं खासकर जिनको ले जाया गया श्रीलंका में अंग्रेजों के द्वारा और फिर वहां से उनसे काम कराया गया और फिर तमिलनाडु के लोगों को जो वहां की सिन्हाला कम्युनिटी है उनके द्वारा वहां पर उनको मारना स्टार्ट किया गया, तो फिर वो वहां से जान बचाकर भागे। तो उस तरीके से यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो ये लोग रह रहे हैं इनको सिटीजनशिप भी नहीं मिल पा रही है ढंग से, तो इसी के ऊपर यहां पर यह बात की जा रही है। तमिलनाडु के जो लोग हैं, पहले आप लोग इसको ऐसे समझिए, यहां पर
ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां पर अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया लोगों को ये यहां पर श्रीलंका के अंदर काम कराने के लिए, टी प्लांटेशन के लिए और बहुत सारी एग्रीकल्चर वर्क कराने के लिए ले जाया गया श्रीलंका के अंदर में, ठीक है। तो श्रीलंका है यहां पर जो कोलंबो, और इसी के साथ में श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे यहां पर इसकी कैपिटल है, और करेंसी है यहां पर करेंसी है श्रीलंकन रूपी, जैसे हमारी इंडियन रूपी है इसकी श्रीलंकन रूपी है। साउथ एशिया ये कंट्री है और ये इसका फ्लैग हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जाफना वाला रीजन आप लोग याद रखिएगा, ये नॉर्थ में है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, हमारी कंट्री के जो मूल के जो लोग रहते हैं काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, यह है यहां पर सिरिमा और शास्त्री SS पैक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर यहां पर सिरिमावो या शास्त्री पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, इंडो सिलोन एग्रीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। देखिए ये है क्या बेसिकली, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, यहां पर ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस टाइम पर जो श्रीलंका की ये लीडर थी, इनके बीच में पैक्ट हुआ कि हमारी कंट्री के जो लोग श्रीलंका में रह रहे हैं उनको शांति में रखा जाएगा एक तरीके से, और क्या किया जाएगा बेसिकली जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन के उनके स्टेटस के बारे में यहां पर डिटरमाइन किया गया कि क्या के साथ में करना है। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया 1964 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बीच में, कब किया गया ये 30 अक्टूबर 1964 में यहां पर ये एक तरीके से आया, ठीक है। तो इसको बंदरानायक शास्त्री के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो कोई सा भी नाम आप लोग यहां पर देखने को मिले, क्योंकि श्रीमावो बंदरानायक जो यहां पर इनकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है और यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो ये सारे नाम में से कोई भी नाम अगर आप लोगों को देखने को मिले तो क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। तो ये एक पैक्ट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी तमिलियन कम्युनिटी है उनके लिए यहां पर है, ये तमिलियन कम्युनिटी को ब्रिटेन के द्वारा ले गया टी कॉफी या फिर कोकोनट की खेती करने के लिए सिलोन, यानी कि श्रीलंका में सिलोन बोलते थे श्रीलंका को पुराने टाइम में। तो इसके चलते हमारी कंट्री के जो लोग हैं स्टार्टिंग में 1921 में लगभग 13% थे, यानी कि 6 लाख के करीब हमारी कंट्री के थे लोग वहां पर उनकी टोटल पॉपुलेशन के, ठीक है। आगे चलकर लगभग 1936 में, तो कुछ साल बाद यानी कि 15 साल बाद अगर देखेंगे तो इनकी संख्या 15% तक बढ़ गई, ठीक है। तो ये यहां पर और भी ज्यादा यहां पर हो गई, यहां पर जो यहां पर ये 6 लाख के करीब थे, फिर ये और भी ज्यादा आप लोग यहां पर इनको देख सकते हैं जो यहां पर निकलकर सामने आई। तो इसके चलते यहां पर जो ये संख्या बढ़ी, अब यहां पर ये किसके लिए ले जा रहे थे, इन खेती के लिए ले जा रहे थे, पर लेकिन यहां तक तो सही है, पर लेकिन जैसे ही श्रीलंका आजाद होता है अब वहां की जो कम्युनिटी है जिसको आप लोग सिनहाला कम्युनिटी बोलते हैं, सिनहाला कम्युनिटी ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे राइट का हनन कर रहे हैं यहां पर, हमारी जॉब ले रहे हैं, हमारी लैंड इनके पास में बहुत लार्ज स्केल पर, हमको जॉब नहीं मिल पाती है। और तमिलियन कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका की जो सिनहाला कम्युनिटी है उसके कंपेयर में काफी एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग थे, तो इसके चलते भी अच्छे अच्छे ऑफिस जो थे वो सारे उन्हीं के कंट्रोल में थे। तो इसके चलते भी यहां पर प्रोटेस्ट किया गया और बोला गया इनको कंट्री से निकालो, ये दूसरी कंट्री के हैं और हमारी कंट्री में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर हमारी जो जॉब वगैरह है उसको ले रहे हैं। तो इसके चलते LTTA की वॉर चली और बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया गया यहां पर महेंद्र राजपक्षे के द्वारा भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट थे, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं, गोटबिया राजपक्षे ये इनके भाई हैं, तो ये यहां पर आज के दिन में प्रेसिडेंट है। तो आज के दिन में भी वही पार्टी यहां पर रूल कर रही है जो उस टाइम पर यहां पर रूल कर रही थी, ये यहां पर मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट थे और यहां पर रनिल विक्रम सिंघे ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये अभी यहां पर आउट हुए हैं पिक्चर से, अब ये दोनों के हाथ में पावर है जो कि दोनों भाई हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा, और ये फॉर्मर मिलिट्री लीडर भी है। तो इस तरीके से आज के दिन में श्रीलंका में ये कंडीशन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं आर्टिकल में यहां पर ये भी बातें बताने की बात की जा रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो तमिलियन कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अब तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, अब तक ये नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या है, तो उसके बारे में कौन बात करेगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग तरीके का आर्टिकल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी यहां पर हाउडी मोदी करके एक इवेंट किया गया USA में, पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि अब तक आप लोग इसको बोल नहीं सकते कि ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी कि आज की डेट में भी USA और इंडिया की जो टाई है उसको एक्सप्लोर करें, ना तो ट्रंप की समझ में आ रहा है ना ही मोदी जी की समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, और अभी यहां पर ट्रंप जी हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं ये माना जा रहा है, तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है। तो यहां पर हालांकि इनके अपोजिट में काफी आर्टिकल लिखा गया है,
दोनों के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की गई है, तो पहले समझ लेते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और एक बात और, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, पर यूएसए में गवर्नमेंट जो चुनी जाती है वो 4 साल के लिए चुनी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंफ्यूजन में आप लोगों का नहीं होना चाहिए, जो बात करूंगा कभी आप लोग कंफ्यूजन में हो जाए क्या हो गया। तो यहां पर अभी क्या है, बेसिकली यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं ये नवंबर के महीने में 2020 में। तो नवंबर के महीने में जो इलेक्शन होंगे 4 साल पूरे होने के बाद में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 8 नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे। डिमोनेटाइजेशन वाला डे है ये, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर अभी जो इनकी बात की जा रही है ये की जा रही है कि अभी अगर ये चुनकर आते हैं तो फिर से ये नेक्स्ट बार जो इनके इलेक्शन होंगे 2024 में होंगे, यानी कि 4 साल बाद। तो इस तरीके से मोदी जी जो चुनकर आए थे वो कब आए थे यहां पर, वो आए थे 2014 में। डोनाल्ड ट्रंप कब आए थे, वो आए थे 2016 में। तो 2 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग अगर ये चुनकर आते हैं तो 6 साल यहां पर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के एक साथ में हो जाएंगे, क्योंकि अब मोदी जी जो रहने वाले हैं 2024 तक रहने वाले हैं। तो 6 साल तक जब ये साथ में हो जाएंगे तो किस डायरेक्शन में हम लोग इंडिया और यूएसए के रिलेशन को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि अब तक 3 साल हो चुके हैं, अब तक ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में ढंग से जा रहे हैं। दोनों लीडर के बारे में कुछ बातें यहां पर बताई गई है। सबसे पहले तो ये बोला गया दोनों लीडर जो हैं, हमारी कंट्री में मोदी जी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जी, तो दोनों अपने जो पुरानी कंट्री की गवर्नमेंट होती थी बार बार उनको ब्लेम करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि हमारी कंट्री में जो भी आज तक हुआ है वो पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा गलत किया गया है, यानी कि अपना जो भी चीजें हैं पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते रहते हैं कि पुरानी गवर्नमेंट ने अब तक देश को बर्बाद किया है। चलिए कोई नहीं, पुरानी गवर्नमेंट ने बर्बाद किया है, अब आपके हाथ में गवर्नमेंट है काफी दिनों से, अब आप लोग सही कर लीजिए। तो यानी कि एक प्रोग्रेसिव चीजों पर बातें न करके रिग्रेसिव चीजों पर बातें करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो करके चला गया, उसको नहीं सुधार सकते, अब आपके हाथ में पावर है, आप अच्छा कीजिए। तो ये चीजें हैं, उस पर फोकस दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है दोनों कल्चर और इकोनॉमिक एजेंडे ज्यादा लेकर चलते हैं, यानी कि जो कंट्री की कल्चर है उसके ऊपर काफी फोकस देकर चलते हैं और इकोनॉमिक एजेंडे आप लोग समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ट्रेड वॉर को एक तरीके से यहां पर अभी मेंटेन रखा चाइना के साथ में, अलग अलग कंट्री के साथ में, और अभी यूरोपियन यूनियन को भी बोल दिया सुबह उठते ही कि मैं तुमको देख लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है। अगर बात करें दोनों इस्लामिज्म को थ्रेट मानते हैं, ये भी बोला गया इनके चैलेंज मानते हैं दोनों कंट्री। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने आते ही बोल दिया कि ये कंट्री के जो लोग हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड माइंड लोग हैं उनको अपनी कंट्री में नहीं आने दिया जाएगा, और हमारी कंट्री में जो एनआरसी वगैरह आप लोग देख रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देख रहे हैं उसके चलते राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में ये कंडीशन यहां पर एक इस्लाम के खिलाफ में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहां पर जॉब्स डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी बोला गया है, ये कैपिटल में लिखते हैं जब भी यहां पर इस तरीके के ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो जॉब्स करके इनके द्वारा चिल्लाया गया। तो इनकी जो जॉब्स हैं जो इनके द्वारा यहां पर चिल्लाई गई है बार बार, उसके बारे में यहां पर यह बात बोली जा रही है कि इनके द्वारा भी वहां पर इतनी जॉब प्रोवाइड नहीं करे गए जितना चिल्लाया गया। और मोदी जी 2014 में जब आए थे उनके द्वारा बोला गया था कि सबको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी ये वो, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा 45 साल में इन्हीं के टाइम पर हमारी कंट्री में, और किसी ऐसी हालत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएसए के अंदर भी। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस चाइना के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ेगा, यूएसए के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। पर लेकिन दोनों लीडर की एक अच्छी बात जो लगती है राइटर को भी, और ये बात तो मुझे भी अच्छी लगती है, जो कमिट किया कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे उसको काफी हद तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो इनके द्वारा बोला गया था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलूंगा, निकल गए, ईरान निकले डील से बाहर निकलूंगा, निकल गए। इसी तरीके से मोदी जी ने भी कई सारी बातें बोली थी, डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें इंप्लीमेंट की गई, जीएसटी से रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंट की गई, और कहीं ना कहीं एनआरसी का जिक्र भी इनके द्वारा पहले ही किया गया था। यानी कि जो बोला जा रहा है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। अच्छी चीजें भी है, गवर्नेंस काफी अच्छी सुधारी गई हमारी कंट्री में। आज के बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुके हैं, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो फंड है वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है। बहुत सारी पॉलिसीज आई है, बहुत सारे लोग अकाउंट खुल गए हैं, आधार कार्ड को लेकर तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो अच्छी चीजें भी बहुत सारी हुई हैं। तो अच्छी और बुरी दोनों यहां पर बताई जा रही है, पर लेकिन अभी भी इंडिया और यूएसए के रिलेशन किस साइड में यहां पर जा रहे हैं वो देखने को नहीं यहां पर मिल रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की टाई के बारे में, तो यूएसए के द्वारा इंपैक्ट देखने को मिलता है चाइना और पाकिस्तान के साथ में। देखिए कई बार यहां पर आप लोगों को यह नजर आएगा कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया के अच्छे दोस्त नहीं माने जाते हैं, और आज के डेट में तो चाइना और पाकिस्तान को बात करें यूएसए के भी अच्छे दोस्त नहीं माने जाते हैं। तो कई बार एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में बातें करते हैं, जैसे मोदी जी जब यहां पर ह्यूस्टन में बातें कर रहे थे तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को सबको बोला उन्होंने कि 9/11 किसके द्वारा कराया गया, 26/11 किसके द्वारा कराया गया, दोनों का जो बेस है वो कहां पर है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इस तरीके की कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोनों के रिलेशन अच्छे हैं यहां पर गल्फ जो कॉपरेशन काउंसिल है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, ये यूएई वाला रीजन, इसके साथ में दोनों के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है।
पर लेकिन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं अगर आप लोग वहां पर देखेंगे तो, ये भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ट्रंप के द्वारा अगर बात करें या फिर दोनों कंट्री को आप लोग देखें, ये कहीं ना कहीं ट्रंप जो है यहां पर एक्यूज करता है इंडिया को भी और चाइना को भी एक साथ में कि दोनों जो है यहां पर ट्रेड बैरियर लगा के रखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दोनों जो है हमारा एक तरीके से हमको नेगेटिव तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ में अमेरिका की जॉब यहां पर ये ले रहे हैं इस तरीके की हरकतें कर कर कर। और H1B वीजा की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा नहीं है किसी भी तरीके से हमको भी। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस से जीएसपी जिसको आप लोग बोलते हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने छीन लिया हमसे। ये बोला जा रहा था कि हमारी कंट्री में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए जैसे उनकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है उस पे चाहते हैं कि वो जीरो टैक्स लगाया जाए और दबा के यहां पर हमारी कंट्री में बेची जाए। इसी के साथ में डेयरी प्रोडक्ट अपना बेचना चाहते हैं हमारी कंट्री में, वो चाहते हैं हमारी कंट्री का सारा डेटा यूएसए में स्टोर किया जाए, जब हम लोग कहते हैं कि इसको लोकलाइज भी करो कुछ डेटा को। वो चाहते हैं कि उनकी जो अमेजन जैसी कंपनी है वो लार्ज स्केल पर यहां पर काम करती रहे, हमारी कंट्री के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। तो इस तरीके से कई सारे इश्यूज हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। वो चाहते हैं ईरान से हम लोग बिल्कुल कुछ भी अपना रिलेशन न रखें, इसको लेकर भी वो काफी सतर्क हैं। तो ये सारी बातें आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंडिया की अगर प्रोटेक्शनिज्म की बात करें आप लोग यहां पर, एक और इंपॉर्टेंट यहां पर जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है वो यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए को रास नहीं आती है। तो अब तक तो यहां पर रिलेशन जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में आप लोग रिलेशन को कैसे लेकर चलोगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी के मंथ में डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंट्री में आने वाले हैं। तो अतिथि देवो भवे यहां पर हमारी कंट्री में होगा, पर लेकिन देखने वाली बात ये होगी कितना यहां पर ये उस चीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अच्छा, कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर कोरोना वायरस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्या आप लोगों को लगता है कि उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। देखता हूं डिटेल में उसका डिस्कशन हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में हमारी कंट्री में भी कई सारी अभी न्यूज उससे रिलेटेड निकल कर आ रही है, अभी बात करूंगा उसके बारे में भी। नेक्स्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एग्री किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट के साथ में कि पॉलिटिकल पार्टी को जो क्रिमिनल लोग हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जनता कितनी ज्यादा है समझदार है जो ऐसे लोगों को यहां पर पहुंचा रही है। क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो संख्या है ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो 2019 में है ये सबसे ज्यादा यहां पर हो चुकी है। ठीक है, और सीरियस क्राइम की भी संख्या सबसे ज्यादा है 2019 में, 2000 जो 9 में कम थे 14 में कुछ और कम थे और यहां पर अब तो अति हो गई, यानी कि जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं इनकी संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये लोग क्या देखकर यहां पर वोटिंग कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। चलिए जो भी है, आगे बात करते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है जो 12 एयरपोर्ट पर कि चाइना में जाने से बचें क्योंकि पर बहुत सारे केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के निकल का। तो डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को टॉपिक का पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर हाँ तो आप लोग फिर इसको बताएं, क्योंकि जो खेलो इंडिया वाला मैंने वीडियो बनाया आप लोगों ने बहुत बोला कि सर उसके ऊपर एक कंबाइंड वीडियो बना दीजिएगा, 6000 लोगों के द्वारा देखा गया 7 के द्वारा। तो इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जगह अगर कुछ और मेहनत करता दूसरी कोई वीडियो होती तो कम से कम और ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंच पाती। तो देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा हिम्मत लग जाती है, जब उसको देखते नहीं हो तो फिर मतलब ये लगता है कि कोई और प्रोडक्टिव काम उसकी जगह किया जा सकता था, ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आप ज्यादा लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है ज्यादा को उसका फायदा नहीं हो रहा है, तब तक देखिए एक ऐसी चीज लाने में ज्यादा फायदा ना जो ज्यादा लोगों पहुंचे। एक तो है कि बस 10-12 लोगों को फायदा पहुंचा रही है, एक है कि 12-13 हजार को फायदा पहुंचा रही है, तो कौन सी चीज में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, तो वो चीजें कभी कभी फीलिंग आती है। तो इसलिए बोलता हूं कि वही टॉपिक आप लोग बोला करो जो आप लोगों को चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लोग बोल दो और फिर उसको देखो ना तो उसमें मेरा भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और उसके चलते आप लोगों को भी आउटपुट नहीं निकल के आता है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर नेक्स्ट, हाईकोर्ट के द्वारा जेएनयू को बोला गया कि जो स्टूडेंट बच्चे हुए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो उसके बारे में बात की जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इस सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा और इसको पढ़ाया जाएगा, तो देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है। जेएल बोल्सोनारो हमारी कंट्री की विजिट पर आ चुके हैं, यहां पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह बोला गया कि इनके द्वारा ब्राजील के द्वारा हमारी कंट्री के खिलाफ एक जो यहां पर केस चल रहा है ये WTO में, तो उसको वापस ले लेंगे, यानी कि हमारी कंट्री में जो सुगर जो प्राइसिंग होती है उसको लेकर यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपने किसानों का फेवर करते हैं तो WTO में चले गए, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। तो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि इनको यहां पर इनके बारे में बात करनी जरूरी है, ये हमारी कंट्री में आए हुए हैं। तो नेपाल के द्वारा बोला गया कि वो इनफॉर्मल समिट यहां पर करने के लिए तैयार है SARS के ऊपर, यानी कि साउथ एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि फॉर्मल समिट तो होती है प्रॉपर आप लोग लेकर आएंगे चीजों को और वहां पर एजेंडे के तहत डिस्कस करेंगे, इनफॉर्मल का मतलब होता है बस आते हैं और अपने डिफरेंस को कम करते हैं, तो ऐसी मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। 41 मिलियन जो पीपल हैं 13 सिटीज में वो लॉक कर दिए गए आज के डेट में इसको वायरस को कंट्रोल करने के लिए चाइना के द्वारा, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं।
यहां पर बात की जा रही है गाम्बिया के द्वारा अभी जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन को साथ में लेकर जिनोसाइड के लिए म्यांमार के ऊपर आरोप लगाया गया, तो कब का यहां पर ये एक कन्वेंशन है जो कि बात करता है इसको रोकने के लिए। यहां पर बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है सिरिमा शास्त्री पैक्ट के बारे में, ये कब साइन किया गया था, या फिर सिरिमावो शास्त्री पैक्ट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, किसके द्वारा पब्लिश किया था, जिसमें यूपी और बिहार को बोला गया कि बिल्कुल बॉटम में है। इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक रिसर्च के बारे में, किसके द्वारा की गई, जिसमें बोला गया कि यूपी में सबसे 27 ईयर से यहां पर चीजें चेंज ही नहीं हुई हैं। अगर आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को बात करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहां पर जो यहां पर हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन ये रिपोर्ट लेकर आती है, और इसी के साथ में किसके द्वारा यहां पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें यहां पर यूपी जो है बिल्कुल टॉप नीचे है, और टॉप किसके द्वारा किया गया ये भी आप लोगों को बताना है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, हमारी कंट्री में कितने प्रतिशत ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं हमारी, अगर कुछ आप लोग पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड लिखने के लिए आ रहा है तो वहां पर आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे, ये इसको सजेशन जो दिया गया था एमएन रोए के द्वारा दिया गया था। 3 कॉन्टिनेंट में ब्रिक मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोग जानते हैं एशिया में हो गए कौन कौन, यहां पर एक बार देख लीजिए आप लोग, एशिया में हो गए इंडिया और चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, रशिया भी कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर देखते हैं, अफ्रीका साउथ अफ्रीका हो गया यहां पर अफ्रीका से, और ब्राजील, ठीक है। तो ब्रिक जो हो गए यहां पर 3 कॉन्टिनेंट से मेंबर आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक का, शत्रुघ्न चौहान केस था यहां पर, जो कि कन्विक्टेड के भी राइट होने चाहिए, अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। राजस्थान केरला और पंजाब के बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट ला रही है यहां पर एक रिजोल्यूशन। इसी के साथ में यहां पर 17 था पहला हमारा जो हमारी जो रैंक थी यहां पर 78 थी, अब 80 हो गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी कि करप्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सागरमाथा जो डायलॉग के बारे में बात की गई थी तो ये नेपाल के द्वारा इन्वाइट किया गया इंडिया और पाकिस्तान को। इसी के साथ में हम लोगों ने दीवानी राइट्स के बारे में बात की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, तो बंगाल बिहार और उड़ीसा के यहां पर राइट इनको दिए गए थे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, और भी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं जो कि टेलीग्राम है उससे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पर है तो आप लोग यहां पर कनेक्ट हो जाइए, और इंस्टाग्राम पर है तो यहां पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। लेक्चर अगर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा और शेयर भी नहीं करना है। इसी के साथ में अगर टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, दिल से सुकून मिलेगा इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, तब तक के लिए जय हिंद।